हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज लगी है बहुत अच्छी धूप, और आज मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग सीधे बकरियों के साथ आके। और आज भी मैं आई हूँ बकरियों के साथ। पिछले 5-6 दिन से मैं ही आ रही हूँ लगातार बकरियों के साथ, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि सेम ही हो जाता है ना, सेम सेम ब्लॉग। तो मैंने कहा चलो आज आ गई हूँ फिर से, तो फिर से बना लेती हूँ। अच्छी सी धूप लगी है और मुंह में डाले हैं मैंने भांग के दाने। और आज ना मैं सुबह सुबह नहा ली। मैंने कहा बकरियों में जाने के लिए देर हो जाती है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह नहा लिया था। तो इसमें ना जेब तो है इस स्वेटर में, लेकिन ऐसा है ना, ऊन की स्वेटर है तो उसमें नहीं होता कि ऊन की थोड़ा वैसी होती है कि निकल जाते हैं भांग के दाने। तो मैंने ऐसे कर रखा है, ऐसी पन्नी में ला रखी हूँ मैं भांग के दाने। मैंने कहा जब खाऊंगी तब निकाल लूँगी, तो ऐसे गिरेंगे भी नहीं और वेस्ट भी नहीं होंगे, है ना। तो क्योंकि बकरियों के साथ तो भागना पड़ता है ना, तो इसलिए सारे साधन पहले से ही करके ला रखी हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी बकरियाँ गई है नीचे, तो नीचे जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो हम जा चुके हैं बांजो के लिए। ये आगे से जा रहे हैं दो दो, इधर फर्क हो रहा है। नहीं फर्क होना चाहिए, फायदे का पैसे जो हिलाना है हाथ बल क्या 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 हमल नहीं देखना पैसा फायदे का क्या बोल दिया खन घेरो ढैया है देखा खन बोल दी बोले घेरो ढैया। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं मथुरा डांडा। आज इधर को देखेंगे और टाइम हम उधर को जाते थे, आज हम इधर को जाएंगे। तो मेरे को यहाँ का पता नहीं है, यहाँ पहली बार आ रही हूँ, तो चलो चलते हैं फिर। मैं बकरे लेके आ गई थी घर पे, और घर आके मैंने रोटी वोटी खाई और सीधे निकल गई मैं बांझों के लिए। तो हम चारों के चारों आज चार ही हैं, कल हम 5 थे और आज 4 ही हैं। और कल तो बहुत रींगना पड़ा हमें बांझों के लिए। तो हमने काट लिए हैं बांझ, ये मेरे हैं और ये दी के। और दी तो लगा रही है अपने लिए बिटगी, लेकिन दी अलग बिटगी लगाती है और मैं अलग, मैं दोनों साइड रखती हूँ और दी एक ही साइड रखती है। तो पहले मैं दी का बिटगी दिखाऊंगी आपको, और फिर उसके बाद दी मेरी लगाएंगी तो मैं तब भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये ऐसे एक ही साइड करेंगी दी, ऐसे पूरा का पूरा गुस्सा जा जाएगा कि ले आला बनी थी तुम। वेर ऑल है हटा, क्या फायदा वो कांडो को, क्या फायदा था ये तार पे है किले मैंने ये तार पे ये छोड़ा ना किले एक सिलूर से हां तो मुझे लगा लगा खोने का वे दिख गया ना तुम भी हैं दिखा तो ले जा ला बढ़िया था झप्प दो छड़े ले ये अखोड़ा डाल का खोलो अखोड़ा किसने
ना यार क्या खाना तुम्हें समझा को इंड नहीं लगूना खोड़ा कोल कुछ ना बजे को तोड़ी भी नहीं जा रहा छीमी छीमी सही से अब यहाँ पे लगेगा मेरी बिड़गू लड़े का ना छा ये मेरी बिड़गी लग रही है बड़ी की तो छी इन हो फिर नीचे नीचे से बारीक रखने पड़ते हैं नहीं तो सर पे चुपते हैं वो इसलिए दी पहले बारीक बारीक ढूंढ रही है छोटा बड़ा है ना छोटा बड़ा नहीं रहा इधर निकल रहा ना नहीं गई सही हो ये भी तो खराब कर रही ऐसे रखेंगे इसको दोनों साइड से एक साइड से रख दिए हैं अब इस साइड से रख दिए जाएंगे बिलक रहा है बिलक रहा है कहाँ पे बिलक रहा है वो कोई फोन गोरो मई रोशक ये तो मोटा वाच की आज में तो बड़े लगना चाहिए फम बांझ ब्याल तो मिलवा ला आज कक कोई मी बांझ ब कोई की बात चोस मुड़ी कच्चा कपाल हूँ ना मरे हमें से कितना ये एक दिन मिलनी मेरा पर कपाल हूँ तो बग गया है यखम नहीं हुई गया चाहिए कतून हुई गया चाहिए यहाँ पता बीबी वो चंद थमा लाकर ना थापिश कप मिला पक्का पाल मार जा उल्टे अच्छा उल्टे नहीं मारना तर कतर हो जाना ये लग गई है मेरी बिटकी और ये दी की पहले दी ने एक ही साइड लगाई और फिर दी ने दोनों साइड कर दिया क्योंकि ना एक साइड वो अजीब सा हो रहा था क्योंकि लंबे लंबे चीज़ होते हैं ना एक साइड के लिए तो इसलिए छोटे छोटे काटे हैं आज तो इसलिए नहीं करे तो चलो चलते तो ये तैयार हो चुकी है हमारी बांझ की बिटगी और डिल्ले भी और ये सबसे बड़ी वाली दी के हैं बांझ भी और डिल्ले डिल्ला भी और ये दूसरी नंबर वाली नहीं दूसरी नहीं तीसरी तीसरी दूसरी वो छी गोलू बुए तीसरी जी अरे तीसरे नंबर वाली हम आ चुके हैं बांझ लेके और बैठ रखे हैं सारे के सारे अपने अपने बिड़गे चुटाए हमने यहाँ पे और हम बैठ गए और उनको देखो वो लीसा ढूंढ रही है लीसा लीस को जाना जी वो कोटा पड़ गई वाला मरा ज्यादा चढ़ बारे संपर्क है लिया छक्का आई चक डालो वाली फिर फटाक से बैठ चुके हैं हम चारों के चारों और ये ले आई हैं दीदी लीसू अगर इसमें ना पैर फटते हैं ना जैसे एड़िया फटती है तो उस पे लगाते हैं इसको गरम करके चस चस दमाते हैं चस चस दमाते हैं तब वो सही हो जाते हैं बल तो आप लोगों को चाहिए तो संपर्क करना ये गढ़वाली लीसु अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और
मैं रात को ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, इसलिए सोचा ब्लॉग का एंड अभी कर लेती हूँ। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग का एंड यहीं पे। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है? कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।